मुजफ्फरपुर में नेत्रहीन पहुंचा वोट देने, 85 वर्षीय महिला भी रही एक्टिव, गोद में उठाकर बेटा लाया बूथ। मुजफ्फरपुर में पांचवें चरण का मतदान चल रहा है। शहर से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। सुबह से ही सकरा, बोचहा, गायघाट समेत अन्य विधानसभा में लोगों का उत्साह देखने को मिला। महिलाएं भी जमकर वोट कर रही हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में लोगों की भीड़ सुबह के 9 बजे तक लोगों की भीड़ कम रही। फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी वोट गिरा रही हैं। नेत्रहीन भी वोट गिराने पहुंचे। शहर के मार्डीपुर स्थित पथ निर्माण विभाग रोड स्थित मतदान केंद्र पर नेत्रहीन व्यक्ति अपना वोट डालने पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनका नाम मलक कुमार है, मार्डीपुर में रहते हैं, दोनों आंख से अंधे हैं। वे बताते हैं कि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। देश में सरकार चुनने के लिए उनकी भागीदारी होनी आवश्यक है, इसी को लेकर वे वोट डालने पहुंचे हैं। इधर 85 वर्षीय नगेंद्र देवी अपने बेटे के साथ वोट डालने पहुंची। वे सकरा की रहने वाली हैं। उन्होंने कहा कि बेटे और बहू के साथ वोट डालने पहुंची हूं। चलने में दिक्कत है लेकिन वोट गिराना था। वहीं शहर के बड़ी करबला निवासी 74 वर्षीय हुसना बानो भी मतदान केंद्र पहुंची। वे शहर के कंपनी बाग स्थित मॉडल बूथ पर पहुंची थीं। उन्होंने कहा कि पैर में तकलीफ है लेकिन वोट भी जरूरी है। वे सबसे पहले सुबह में उठी, नमाज पढ़ी, इसके बाद वोट डालने पहुंची। इधर सकरा मध्य विद्यालय बूथ नंबर 102 को बनाया पिंक बूथ बनाया गया है। सभी मतदान कर्मी महिला हैं। वोटरों में सुबह से काफी उत्साह रहा। वोटिंग के लिए लंबी कतारें लगी रही। फर्स्ट टाइम वोटर और सबसे पहले वोटिंग करने वाली दिव्या चौधरी को प्रशस्ति पत्र दिया गया है। दिव्यांग है, वो भी मतदान केंद्र करने आया है, तो उनको लाए, उन्हीं से बात करेंगे। अब उदय से, अब उदय वोट गिराबे, कोई दिक्कत भी हो रहा है? दिक्कत है। अच्छा, वोट दे दिलिया? दा दिलिया। आ कथी यह से अलिये? ट्रॉली से? ना, रिक्शा से। की नाम भेल? नागिंदी देवी। कहाँ घर भेल? ग्वाइट। ग्वाइट। बहुत अच्छा। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। केंद्र पर आए और 5 मिनट के अंदर वोटिंग हमारा हो गया। जी वोटिंग में कोई कठिनाई नहीं? नहीं, कोई कठिनाई नहीं। और लोगों से क्या अपील करेंगे आप? क्या अपील लोगों को तो कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह हम यहाँ पहुँचे हैं, आप भी पहुँचे अपने मतदान केंद्र पर और अपने मतदान का प्रयोग करें। क्या नाम है? मकाल कुमार।